हेलो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं अमृतसर के गोल्डन टेंपल देखने के लिए। हम लोग बस स्टैंड से पैदल ही निकल पड़े तो आधा किलोमीटर की दूरी में ये पार्टीशन म्यूजियम है जिसके पास हम लोग अभी खड़े हैं। शाम को 6:30 हो चुके हैं इसलिए म्यूजियम बंद हो चुका है। हम लोग म्यूजियम के अंदर नहीं जा पाए, म्यूजियम के बाहर ही हैं। दोस्तों ये यहाँ पर धर्मशाला दिख रहा है गोल्डन टेम्पल का। सामने यहाँ बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। बहुत ही मनमोहक बिल्डिंग्स हैं। अब हम लोग गोल्डन टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं, गोल्डन टेंपल जा रहे हैं। बीच में जलियांवाला बाग भी मिला लेकिन वो भी 6 बजे तक ही खुला रहता है जिसके कारण हम लोग उसके अंदर नहीं जा पाए। बाहर से ही बस देखा और आगे की तरफ बढ़ लिए। दोस्तों ये सामने गोल्डन टेंपल दिख रहा है। गोल्डन टेंपल का जो मेन गेट है वो दिख रहा है। दोस्तों गोल्डन टेंपल में 4 तरफ से गेट बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हम लोग गोल्डन टेंपल पहुंच चुके हैं और स्वर्ण मंदिर के अंदर हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग स्वर्ण मंदिर के अंदर गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर लिए हैं और बाहर तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही सुंदर रंगीन मछलियां तैरती हुई दिख रही हैं जो बहुत ही मन को मोह रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। दोस्तों दोस्तों ये दूसरे दिन सुबह हम लोग फिर से एक बार गोल्डन टेंपल में आए थे तो ये सुबह का दृश्य है। दोस्तों अभी हम लोग गोविंदगढ़ किला हो बस की सहायता से आए हैं। हो बस जो हमने बुक कर लिया था कल शाम को ही, जिसका चार्ज 350 रुपये पर पर्सन था, जिसमें वो हमको 36 अमृतसर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारा घुमाएगा। और दोस्तों ये एसी बस है और बहुत ही रिजनेबल 350 रुपये है। इस रेट में हम लोग अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसको चांदी मंदिर भी बोलते हैं, ये स्वर्ण मंदिर की तर्ज पे ही बनाया गया है लेकिन इसमें जो भी उसके लेयर हैं उसको चांदी का बनाया गया है। तो अभी हम लोग गोविंदगढ़ किले में हैं, इसमें डांस परफॉर्मेंस हो रहा है जो बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा इसमें 4 तरह के म्यूजियम है जिसमें राजा रंजीत सिंह के समय से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, सिक्के, बम, गोले और जो भी उस समय के सामान हैं उनको इस म्यूजियम में स्टोर किया गया है। और ये डांस परफॉर्मेंस है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एंट्री फीस 180 रुपये लगा था जो पे करके हम लोग अंदर आए थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम लोग ने वीडियो के थ्रू भी देखा था। दोस्तों अभी हम लोग पंजाब स्टेट वार हीरोज मेमोरियल म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। इसमें भी उस समय से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सबको स्टोर करके रखा गया है। ये जैसे उस समय राजाओं का दरबार लगता था और दरबारी लोग बैठे रहते थे उसी तरह से बनाया गया है। दोस्तों इसमें डिटेल जानने के लिए इसमें जगह जगह स्क्रीन लगे हुए हैं जिनकी सहायता से हम लोग इसमें जो भी डिटेल चाहिए वो देख सकते हैं। ये सब झांकियां बनाई गई हैं उस समय जैसे जैसे युद्ध हुए थे अंग्रेजों से और जो भी वार हुए थे उसके यहाँ पे उस हिसाब से झांकी बनाई गई हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ से डायरेक्ट शाही किला जो बाघा अटारी बॉर्डर पे है, ये शाही किला एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप भोजन कर सकते हैं, जो भी खाना पीना हो आप खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे खाना थोड़ा महंगा रहता है तो आप चाहे तो बाहर से भी कुछ खरीद के खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ ये बाघा अटारी बॉर्डर है।
अब ये बॉर्डर के पास हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो रिट्रीट सेरेमनी करते हैं, पाकिस्तान के भी जवान यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी करते हैं। दोस्तों यहाँ डेली शाम को 6 से 7 के बीच ये रिट्रीट सेरेमनी किया जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे इस पार और इस पार गेट है, दोनों गेट खुलते हैं, रिट्रीट सेरेमनी होती है और उसके बाद दोनों गेट बंद हो जाते हैं। दोस्तों ये रिट्रीट सेरेमनी स्वर्ण मंदिर फिर से गए सेरेमनी।